यदि भक्ति के क्षेत्र में प्रवेश करना चाहते हैं, भक्ति का मार्ग शुरू करना चाहते हैं, भक्ति के क्षेत्र में कहीं ना कहीं आपका प्रवेश यदि आप चाहते हो, तो निश्चित तौर पर तीन बातों को ख्याल में रखना होगा। संसार में अनेकों भक्त हुए, मीरा भी हुई तो मंदोदरी भी हुई, रावण भी तो प्रभु भक्त था, अनेकों भक्त ये संसार में हुए जिन्होंने परमात्मा भक्ति के मार्ग के ऊपर चलते 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 अपने आत्मा का कल्याण कर लिया। एक बात समझना, हमारे यहां जिन शासन में तिरने के दो मार्ग बताए, कहा कि एक ज्ञान मार्ग है और दूसरा भक्ति मार्ग है। आप चाहो तो ज्ञान के मार्ग के ऊपर चल के आगे चलते 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 मोक्ष की मंजिल तक पहुंच सकते हो, आप चाहो तो भक्ति के मार्ग के ऊपर चल के आगे चलते 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 मोक्ष की मंजिल तक पहुंच सकते हो। आपके हाथ में है, आपको कौन सा रास्ता चुनना है। लेकिन शास्त्रकार भगवंत कहते हैं कि ज्ञान मार्ग थोड़ा कठिन है, वहां पुरुषार्थ करना पड़ता है, वहां मेहनत करनी पड़ती है, वहां घंटों घंटों लगाने पड़ते हैं, वहां कुछ ना कुछ प्रक्रिया में आपको रहना पड़ता है। वहां आगे बढ़ने के लिए आपका प्रबल पुरुषार्थ चाहिए, क्षयोपशम चाहिए, ज्ञान के प्रति रुचि चाहिए, तब जाके आप ज्ञान मार्ग में आगे बढ़ पाओगे। लेकिन शास्त्रकार भगवंत कहते हैं कि एक बात समझ लेना, भक्ति मार्ग बड़ा सरल है। भक्ति का जो मार्ग है वो बड़ा सरल है, भक्ति के मार्ग के ऊपर चलना बड़ा सरल है। उसके लिए करना क्या है, किस तरह से चला जाए, कहा कि और कुछ नहीं करना, प्रभु को सर्वस्व समर्पण कर देना है तो भक्ति के मार्ग के ऊपर आगे बढ़ जाएगा। ज्ञान मार्ग की प्रक्रिया बड़ी लंबी है, भक्ति मार्ग की प्रक्रिया बड़ी सरल है। और इसीलिए आप इतिहास में देख लीजिएगा, आपको ज्ञानी कम मिलेंगे, भक्त ज्यादा मिलेंगे। ऐसे ऐसे भक्त जो प्रभु की भक्ति में लग गए तो तीर्थंकर नाम कर्म का बंद कर लिया। ऐसे ऐसे भक्त जो प्रभु की भक्ति में लग गए तो सदगति का अपना रिजर्वेशन करवा लिया। ऐसे ऐसे भक्त जो पापी थे, जो दुर्जन थे, जो दुराचारी थे, लेकिन फिर भी प्रभु की भक्ति में लग गए तो अपने जीवन को साध लिया, अपने जीवन का कल्याण कर लिया। इसीलिए मैं आपसे कहना चाहता हूं कि संसार के क्षेत्र में यदि आप तिरना चाहते हो तो सबसे सरल मार्ग यदि कोई है तो भक्ति मार्ग है। भक्ति मार्ग चुन लीजिए, ज्ञान मार्ग शायद आपके लिए थोड़ा कठिन हो जाएगा। और जैसे जैसे भक्ति मार्ग में आप आगे बढ़ते जाओगे, वैसे वैसे कहीं ना कहीं ज्ञान की प्राप्ति भी आपको होती ही जाएगी। इसीलिए हमारे यहां कहा गया कि भक्ति मार्ग पर चलना चाहिए, भक्ति का मार्ग चुनना चाहिए। अरे याद करो वह आनंद घन जी महाराज को, याद करो वह यशो विजय जी महाराज को, याद करो वह उदय रत्न जी महाराज को, जिन्होंने भक्ति के मार्ग के ऊपर चलते चलते अपने जीवन का कल्याण कर दिया। क्या भाव भीतर से जगते हो गए, आप सोचो तो सही। परमात्मा अच्छे लगे, परमात्मा प्यारे लगे, परमात्मा मेरे लगे, परमात्मा तारणहार लगे, ये सब तो बड़ी सामान्य बात है। लेकिन आनंद घन जी महाराज ने अपने जीवन को वो पराकाष्ठा पे पहुंचाया जहां परमात्मा प्रीतम लगे, परमात्मा प्रेमी लगे। वो पराकाष्ठा उनके जीवन में आई क्योंकि उन्होंने भक्ति मार्ग चुना था। और इसीलिए मैं आपसे कहना चाहता हूं कि जीवन में समझ लेना, जिस दिन परमात्मा मेरे लगने शुरू हो जाए, समझ लेना आप भक्ति मार्ग पर चल दिए, समझना आपने भक्ति मार्ग के ऊपर प्रयाण कर दिया। और जीवन का कल्याण करना हो तो भक्ति मार्ग ही चुनना पड़ेगा। शास्त्रकार भगवंत कहते हैं कि भक्ति के क्षेत्र में तीन चीजों की बड़ी आवश्यकता है। कौन कहता है कि परमात्मा नहीं आते, कौन कहता है कि परमात्मा के दर्शन नहीं हो पाते, कौन कहता है कि परमात्मा को हम देख नहीं पाते, कौन कहता है कि परमात्मा को हम जान नहीं पाते। सब कुछ संभव है यदि भक्ति मार्ग के ऊपर चला जाए तो, भक्ति मार्ग स्वीकारा जाए तो, भक्ति मार्ग के ऊपर प्रयाण किया जाए तो निश्चित तौर पर प्रभु भी हमें मिल सकते हैं। लेकिन कहा कि भक्ति के क्षेत्र में तीन चीजों की बड़ी आवश्यकता है। नंबर वन, तन का तर्पण। तर्पण यानी अर्पण कर देना, छोड़ देना। कहा कि भक्ति के मार्ग के ऊपर आपको आगे बढ़ना होगा तो तन का तर्पण करना पड़ेगा, शरीर को भूलना पड़ेगा। सच कहना, आपके जीवन में ऐसी कितनी भक्ति, ऐसे कितने अवसर बने, ऐसे कितने प्रसंग आए जहां आप अपने शरीर को भूलकर परमात्मा की भक्ति में जुड़ गए। मन की बात तो बहुत दूर की है, हम तन को भी नहीं भूल पाते।
परमात्मा की भक्ति के लिए जब बैठते हैं, परमात्मा की भक्ति में जब डूबने की कोशिश करते हैं, परमात्मा की भक्ति में जब आगे बढ़ते हैं, परमात्मा भक्तिमय हमारा जीवन बनाने की कोशिश करते हैं, तब मन की बात तो बहुत दूर की है, हम हमारे तन को भी नहीं भूल पाते। और इसीलिए मैं आपसे कहना चाहता हूं कि तन को भूले बिना परमात्मा की प्राप्ति नहीं होगी। तन का तर्पण, हम बोलते हैं ना, गान तुम्हारा गाता गाता अमे समय नु भान भूलिया, खावू भूलिया पीवू भूलिया ऊंघ अने आराम। साचू के जो भक्ति में खावानू केटली बार भूली गया, बे परिस्थिति छे, बराबर समझो। जीवन में का तो एवं थाय के भक्ति में खावानू भूली जाइए, अने का तो एवं थाय के जमवा में भक्ति भूली जाइए, अपनी साथे शू थाय छे? એવું થાય કે પરમાત્માની ભક્તિ કરતા કરતા જમવાનું ભૂલી ગયા, કે પછી એવું થયું કે જવા દે ને જમવાનો સમય થઈ ગયો છે, પરમાત્મા તો અહીંયા છે ને, ભક્તિ તો ગમે ત્યારે કરી લેશું, અત્યારે પહેલા જમી લઈએ। બોલના બડા સરળ હૈ, ખાવું ભૂલ્યા પીવું ભૂલ્યા પછી ઊંઘ અને આમ ભગવાન સામે જઈને પણ કેટલું ખોટું બોલી શકીએ આપણે, તમે વિચારતા। આમ સંસારમાં ખોટું બોલીએ તો બરાબર, પણ ભગવાન સામે જઈને પણ આગળ પાછા બોલીએ કે રાગ ભૂલ્યા દ્વેષ ભૂલ્યા, શું ભૂલ્યા મને કહો તો, વળી સળગેલો એવા એકાકાર બન્યા, શું વાત, શું કેવું। પરમાત્મા કે સામને જાકર કે બોલ દેના બડા સરળ હૈ, લેકિન જીવન મેં ઉતારના બડા કઠિન। इसलिए मैं आपसे कहना चाहता हूं कि भक्ति के क्षेत्र में प्रवेश करना है तो तीन बातों का बड़ा ख्याल रखना पड़ेगा। जब तक ये तीन बातें आपके भीतर नहीं है, जब तक ये तीन बातों को आप समझ नहीं पाओगे, जब तक ये तीन बातें आपके जीवन में नहीं आएगी, तब तक समझना आप भक्ति के क्षेत्र में प्रवेश नहीं कर पाओगे। नंबर वन, तन का तर्पण, तन को भूलना पड़ेगा, शरीर को भूलना पड़ेगा। कहीं ना कहीं हमारे जीवन में दो चार भक्ति तो ऐसी हो जहां हम हमारे शरीर को भूल गए, जहां हम हमारे तन को भूल गए। तन को भूले बिना परमात्मा की भक्ति के क्षेत्र में प्रवेश नहीं किया जा सकता। नंबर टू, मन का समर्पण, तन का तर्पण, मन का समर्पण। तन को भूलना पड़ेगा, मन को छोड़ना पड़ेगा। और हमारे जीवन में दिक्कत यह है, हम सब कुछ कर पाते हैं लेकिन अपने मन को नहीं भूल पाते। शरीर को झुकाना बड़ा आसान है, प्रभु के सन्मुख जाए, कोई अच्छी स्तुति चल रही हो, कोई अच्छा स्तवन चल रहा हो, हमारा मस्तक झुक जाए, हम कमर से झुक जाए, साष्टांग दंडवत कर ले, पंचांग प्रणिपात कर ले, बड़ा सरल है। शरीर को झुकाना बड़ा सरल है, मन को झुकाना बड़ा कठिन। इसलिए शास्त्रकार भगवतों ने कहा कि समझना, शरीर झुके वहां से धर्म का शुभारंभ नहीं होता, लेकिन मन झुके वहां से धर्म का शुभारंभ होता है। हमारा मन कितनी बार झुका प्रभु के सामने जाकर के भी, प्रभु के दरबार में जाकर के भी, हम मन को कितना समर्पित कर पाते हैं, मन को कितना झुका पाते हैं, यह बहुत बड़ा सवाल हमारे लिए है। इसीलिए मैं आपसे कहना चाहता हूं कि जीवन में समझ लेना, मन को झुकाना बड़ा कठिन, मन नहीं झुकता। और मैं तो यहां तक कहता हूं, शरीर तो शर्म से भी झुक जाता है। अब मंदिर में जाओ, 50 लोग आपके आसपास में खड़े होंगे, 50 लोग आपके आसपास में बैठे होंगे, परमात्मा सन्मुख होंगे, शर्म से भी आपका शरीर झुक जाएगा, लेकिन मन कैसे झुकेगा? मन को झुकाना पड़ता है। बिना मन के समर्पण के प्रभु भक्ति का शुभारंभ नहीं होता, बिना मन के समर्पण के धर्म के क्षेत्र का शुभारंभ नहीं होता, बिना मन के समर्पण के धर्म के क्षेत्र में आप प्रवेश नहीं कर पाओगे। इसीलिए मैं आपसे कहना चाहता हूं, जीवन में समझ लीजिएगा, मन को झुकाने की कोशिश करें। भक्ति के क्षेत्र में तीन बातें जरूर याद रखना। नंबर वन, तन का तर्पण। नंबर टू, मन का समर्पण। एंड नंबर थ्री, प्रभु का पदार्पण। प्रभु आ जाएंगे। यदि आप तन का तर्पण कर पाए, यदि आप मन का समर्पण कर पाए, तो निश्चित मैं आपको कहना चाहता हूं कि प्रभु का पदार्पण होगा। कौन कहता है कि प्रभु आते नहीं? बड़ी अच्छी पंक्तियां है, कौन कहता है भगवान आते नहीं, सच्चे दिल से हम बुलाते नहीं।
यदि सच्चे दिल से पुकारा जाए, सच्चे दिल से बुलाया जाए, सच्चे दिल से प्रार्थना की जाए तो परमात्मा को भी आना पड़े। यह परिस्थिति आज के संसार में भी है। कलयुग चाहे कितना ही बैठ गया हो लेकिन भक्ति की ताकत आज भी मौजूद है, भक्त की ताकत आज भी है, भक्त आज भी परमात्मा के साथ जुड़ सकता है, भक्त आज भी परमात्मा को देख सकता है और भक्त आज भी परमात्मा को जान सकता है। अरे शास्त्रकार भगवंत ने यहां तक कहा कि परमात्मा शायद मोक्ष में पहुंच गए लेकिन हमारे आत्मा को जान लेना परमात्मा से कम नहीं है। हम खुद को जान ले, खुद को पहचान ले तो परमात्मा को पहचान सकते हैं। और इसीलिए मैं आपसे कहना चाहता हूं कि भक्ति के क्षेत्र में प्रवेश करना हो, भक्ति के क्षेत्र में आगे बढ़ना हो, भक्ति का मार्ग यदि चुनना हो तो निश्चित तौर पर समझ लेना तीन चीजों की बड़ी आवश्यकता है। यदि ये तीन चीजें हैं तो निश्चित तौर पर प्रभु का आगमन होगा। सबसे पहले नंबर में साथ में मिलकर, पहले नंबर में तन का तर्पण, दूसरे नंबर में मन का समर्पण और तीसरे नंबर में प्रभु का पदार्पण। प्रेम भक्ति आराधना प्रवचन के अद्भुत संगम से जुड़ने के लिए सब्सक्राइब करें गुरु प्रेम मिशन की YouTube चैनल को और ताजा अपडेट के लिए बेल आइकन पर क्लिक करना ना भूलें।